हेलो एवरीवन दिस इज शाम्भवी मिश्रा आज मैं आप सबके लिए 365 डेज करेंट अफेयर्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ टुडे आई डिस्कस वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट को वैक्सीन कितनी है और इसकी रीसेंट न्यूज के बारे में बात करेंगे इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपको बताना चाहूंगी कि आई एस के लिए ऑफर चल रहा है हर घर लड़की अफसर इस योजना के तहत हम एक लाख अस्सी हज़ार की जगह आपसे से मात्र सत्ताईस हजार सौ रूपए लेंगे जिसमें से आप रजिस्ट्रेशन फीस छह हजार सौ रूपए हमें पहले दे दीजिए बाकी आप फीस इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सो कम टू द पॉइंट कि वैक्सीन कितने प्रकार की है पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी कंट्री में तीन प्रकार की वैक्सीन को परमिशन दे रखी है सप्लाई के लिए पहली कोवैक्सीन उसके बाद कोविड शील्ड और अभी रिसेंटली स्पुटनिक वी को भी परमिशन दी है ये जो रिसेंटली स्पुटनिक वी और कोविड शील्ड है ये वैक्सीन प्रमाणी प्रमाणी पर आधारित है और ये वैक्सीन थोड़ी ज़्यादा हार्श मानी जाएगी आपके लिए बट इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत इजी है बहुत आसानी से ये बन जाती है इस मेथड में पहले वैक्सीन बनाई जा चुकी है बन भी रही है वो वैक्सीन में हमारा जो इनिशियली बेस्ड एंड एक्टिव वैक्सीन है इसमें वायरस स्ट्रेन को डाल के बनाया जाता है तो ये सारा ही हमारे लिए ज़रूरी है इन मेडिकेशन को इग्नोर नहीं कर सकते ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है अगर हम स्पुटनिक वी की बात करें तो आर आई एफ रशिया ने इसे बना कर दिया इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का राइट सबसे पहले डॉक्टर रेड्डी को मिला बाकी अब मैनकाइंड सब भी इसी के लिए काम करेंगे हम कोविड शील्ड की बात करें तो एस्ट्रोजेनिका ने इसको बनाया है और इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सप्लाई कर रहा है इसमें मॉडिफाइड दो कोरोना वायरस डाले गए हैं स्पुटनिक वी में उसके द्वारा वेक्टर बनाया गया है इसमें एंड्रोनो वायरस डाले गए हैं वो चिंपैंजी के डाले गए हैं और मेडिकल रिसर्च के हिसाब से ये केपेबल है कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का वायरस स्ट्रेन डाला गया है देखिए, वैक्सीनेशन कोई भी हो रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने बनाई है और इस पर कई सारी बार रिसर्च ऑलरेडी की जा चुकी है और अभी भी ट्रायल्स चल रहे हैं कोई भी वैक्सीन जब इंडिया या कहीं भी जाती है तो वो फोर फेजेस से होके जाती है तो आप बेझिझक कोई भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं आपको जनवरली ध्यान रखना है कि आपको ये समझना है वैक्सीनेशन आपको करवाना है आपके खुद के लिए आपके परिवार के लिए आपको अपने घर को सुरक्ष रखना है आपको वैक्सीन लगवानी है साइकोलॉजिकली आपको लोग कंफ्यूज करेंगे कि वैक्सीन अच्छी है या बुरी है जेनली कोई भी वैक्सीन अच्छी या बुरी नहीं होती एक बॉडी पर हर एक ह्यूमन इंडिविजुअल उसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों होता है मैंने लगवाई है मेरी टीम ने लगवाई है मेरी फैमिली ने लगवाई है आपको ये दूर करके वैक्सीनेशन जरूर करवाना है चाहे आप कोई भी वैक्सीन लगवाइए पर लगवाइए आज के लेक्चर में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी